हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वेव्स ऑफ होम्योपैथी। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप BHMS कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप MD करना चाहते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, विच इज़ एन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर PG, और उस एग्ज़ाम का नाम है AIAPGET, ठीक है, जो कि आपको MD में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अभी जैसे आपने BHMS में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्जाम दिया था, वैसे ही ये एग्जाम देना है, और उसमें भी एंट्रेंस एग्जाम होता है और कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं आपका एक फियर कम करने वाली हूँ कि कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अभी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो इस एग्जाम के लिए तो आपको क्या करना है, बेसिकली अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो थर्ड ईयर से सीरियस हो जाओ, बल्कि मैं तो कहूँ कि आप शुरू से ही सीरियस रहो। दैट इज़ द फर्स्ट ईयर, BHMS के फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, एंड फोर्थ ईयर में तो ऑफ कोर्स, ठीक है। अभी बात आती है फर्स्ट ईयर में, क्यों? क्योंकि आपका ये जो एग्ज़ाम होता है AIAPGET, उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑब्सगाइनी, सर्जरी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनॉन एंड रिपर्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर लास्ट में पढ़ना शुरू करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, एकदम से लगेगा कि मैं क्या क्या कंप्लीट कर लूँ। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप शुरू से ही हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, सो डेफिनेटली यू गेट अ गुड रैंक, और अगर गुड रैंक मिलती है तो एक अच्छा कॉलेज भी आपको मिलेगा फॉर योर एग्जाम, ठीक है। अभी बात आती है कि एग्जाम तो ईजी होता है, बट फिर भी प्रॉब्लम क्यों है, पढ़ना क्यों है? क्योंकि जो गवर्नमेंट सीट्स होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं। पूरा अगर हम देखें कि गवर्नमेंट सीट्स के बारे में भी रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट बहुत कम होती है जितना मुझे अभी तक पता चला है मेरे सीनियर्स से, ठीक है। तो हमें ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और बच्चे बहुत सारे हैं जो एग्ज़ाम देते हैं। अभी बात आती है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं आपके सामने ये जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बस इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि फेयर कम हो और आप ये समझ पाओ कि आपको शुरू से पढ़ाई करनी है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आई होप कि आपने नीट में भी पढ़ा होगा, जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होगे। पहला क्वेश्चन है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी फाउंड इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम इज। सो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इट इज द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, और पूछा है कि कौन से क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है जिसकी वजह से ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एंड आई होप आप सबको आंसर पता होगा, दैट इज ट्राइसोमी 21। अगर 21 क्रोमोसोम के अंदर ट्राइसोमी हो जाती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्राइसोमी, मतलब कि तीन यहाँ पर क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी 21, 21 नंबर के क्रोमोसोम पे हो जाती है, ओके। चलो मूव टू द नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है ऑर्गेनॉन से, और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मियाज्म वाज डिस्क्राइब्ड बाय हैनमन एज हाइड्रा हेडेड। हाइड्रा हेडेड मतलब कि बहुत सारे सर हैं, रावण की तरह जिसका सर है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रा हेडेड। सो आप बताओ इसमें से आंसर क्या होगा, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिख सकते हो। आई एम वेटिंग, आप लिखना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड का आंसर एंड फोर्थ का आंसर। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और MCQs डिस्कस करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी अभी तक AIPGET BHMS के लिए कोई और प्रिपरेशन नहीं करवाता है। बेसिकली मैं भी कोई प्रिपरेशन नहीं करवा रही हूं, आपके कुछ MCQs डिस्कस करूंगी मैं ऐसे, और उसके अलावा हम डिटेल में जाके कुछ चीज़ें पढ़ा करेंगे, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन है कि आपको बताना हाइड्रा हेडेड मियाज्म कौन सा है हैनमन के अकॉर्डिंग। सो सिंपल आंसर है, इज दिस सोरा, क्योंकि सोरा को डिस्ट्रक्टिव मियाज्म कहा जाता है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम सोरा से ही स्टार्ट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपोप्टोसिस इज। सो ये क्वेश्चन आया है आपका पैथोलॉजी से, और पैथोलॉजी आप पढ़ते हैं इन दिस सेकेंड ईयर BHMS। तो अपोप्टोसिस क्या है? रिवर्सिबल सेल इंजरी, इररिवर्सिबल सेल इंजरी, प्रोग्राम सेल डेथ, और डिरेंज्ड सेल मेटाबॉलिज्म। सो बहुत इजी आंसर है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको नहीं पता, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी पैथोलॉजी बहुत वीक हो गई है, एनाटॉमी वीक हो गई है, तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, सेकेंड यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑब्सगाइनी, सर्जरी, इन सबके लेक्चर्स लेकर आती हूँ। पर्टिकुलर डे मैंने डिफाइन कर रखे हैं उस दिन पे, ठीक है। सो अभी मैंने अपोप्टोसिस के बारे में
पूरा लेक्चर नहीं दिया है, बट जिस बच्चे को पैथोलॉजी अच्छे से आती होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है उसके लिए, दैट इज द रिवर्सिबल सेल इंजरी नहीं होगी, ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में नहीं आएगा, इरिवर्सिबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि इरिवर्सिबल में आता है आपका नेक्रोसिस, गैंग्रीन, ये सारी चीजें आती हैं। दिस इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब कि जो सेल है वो पूरा प्रोग्राम बना के फिर मरती है, ठीक है। एपोप्टोसिस से रिलेटेड भी मैं एक पूरा लेक्चर जरूर बनाऊंगी, तो आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है फुट ड्रॉप इज कॉज्ड बाय, आपने एक सुना होगा रिस्ट ड्रॉप, एक सुना होगा फुट ड्रॉप, ठीक है, जो पैर है उसका ड्रॉप हो जाना, इट इज फुट ड्रॉप। तो ये कौन सी नर्व में इंजरी की वजह से होता है, इन्होंने ऑप्शन दिया है इंजरी टू टिबियल नर्व, इंजरी टू पॉपलीटियल नर्व, इंजरी टू FDL, what is FDL? It is flexor digitorum longus, injury to common peroneal nerve. तो इसका आंसर है common peroneal nerve. आप अब इसको याद कैसे रखोगे? वैसे तो अगर आपने डिटेल में सब कुछ पढ़ा होगा तो याद होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बट अगर याद नहीं है तो याद रखो पैर से, peroneal, ठीक है, एंड आपका जो पैर होता है फुट उसको ड्रॉप कर देता है, ठीक है, इट्स अ कॉमन पेरोनियल नर्व। तो मैं इस तरीके से बहुत सारी ट्रिक्स देती हूँ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी याद करने की। एंड गाइस, ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे, आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ये रिसेंट जो पास्ट ईयर वाला पेपर था, मैं उसी से ही डिस्कस करवा रही थी ये क्वेश्चन। और अगर आप देखोगे तो कुछ टफ क्वेश्चंस भी हैं, बेसिकली टफ भी होते हैं, कुछ मीडियम क्वेश्चंस होते हैं और कुछ इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप अगर और क्वेश्चंस को देखना चाहते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और गाइज, मैं बहुत क्लियरली बता देती हूँ, मैं अभी BHMS थर्ड ईयर में हूँ, मैंने कोई AIPGT एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं किया है। बट बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि AIPGT के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम नहीं है ये, तो आपको YouTube या Google पे इतने ज़्यादा इसके वीडियोस नहीं मिलेंगे। तो आई विल ट्राई टू अवेयर यू अबाउट दिस एग्ज़ाम, ओके। सो टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।